सुशील सर, योर साइंस टीचर। आई जी नो इन प्रीवियस क्लासेस आई हैव टॉट बाय ओल्ड बुक, नाउ योर बुक हैज चेंज्ड, सो आई एम गोइंग टू टीच बाय न्यू बुक्स फॉर न्यू सेशन। टुडेज लर्निंग पॉइंट, टाइप्स ऑफ प्लांट्स, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, प्लांट्स ऑन माउंटेन्स, प्लांट्स इन प्लेन्स, प्लांट्स इन डिजर्ट। नाउ सम वर्ड मीनिंग। प्लांट्स पौधे, डाइवर्सिटी अंतर विविधता, क्लासिफाइड वर्ग वेराइटी प्रकार विभिन्नता, टेरेस्ट्रियल सांसारिक पृथ्वी संबंधी, कोस्टलाइन समुद्र तट, स्वाम्पी दलदल से भरा, फिक्स्ड स्थिर स्थापित, फ्लोटिंग तैरता हुआ, पैरासाइटिक परजीवी, लीफलेट्स छोटी पत्ती, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण, डिसोल्व गलना या भंग करना, स्टर्डी परवल पुष्ट दृढ़, किंगडम राज वर्ग प्रभुत्व। नाउ चैप्टर वन, प्लांट्स पौधे। देयर इज वास्ट डाइवर्सिटी अमंग लिविंग फॉर्म्स फाउंड ऑन अर्थ। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवित प्राणियों में बहुत अंतर होता है। ऑल लिविंग बींग्स आर क्लासिफाइड एज बिलोंगिंग टू वन ऑफ द टू किंगडम्स, द प्लांट किंगडम और द एनिमल किंगडम। सभी जीवित प्राणियों को दो वर्गों में बांटा गया है, पहला प्लांट किंगडम और दूसरा एनिमल किंगडम। द प्लांट्स किंगडम इज वेरी डाइवर्स। पौधों के वर्ग में बहुत विविधता होती है। एज वी मूव फ्रॉम वन रीजन टू द नेक्स्ट वी ऑब्जर्व द चेंजेस इन द वेदर लैंडस्केप एज वेल एज इन द वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर फाउंड। जैसा कि हम एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ का मौसम भू दृश्य में विभिन्नता पाई जाती है। साथ साथ हम यह भी देखते हैं कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों और जानवरों में भी काफी विभिन्नताएं होती है। टाइप्स ऑफ प्लांट्स पौधों का प्रकार। देयर इज अ लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट्स ऑन आवर प्लैनेट। हमारे ग्रह पर पौधों की एक विशाल विविधताएं हैं। सम प्लांट्स आर टेरेस्ट्रियल एंड ग्रो ऑन लैंड व्हाइल अदर्स आर एक्वेटिक एंड ग्रो अंडर वाटर। कुछ पौधे स्थलीय होते हैं और जमीन पर बढ़ते हैं, जबकि कुछ जलीय होते हैं जो पानी के अंदर बढ़ते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लांट स्थलीय पौधे। प्लांट्स ऑन माउंटेन पहाड़ों पर बढ़ने वाले पौधे। ट्रीज ग्रोइंग इन हिली एरियाज एंड ऑन माउंटेन्स आर टॉल एंड एस्टेट। पहाड़ी इलाकों और पर्वतों पर बढ़ने वाले पौधे लंबे और सीधे होते हैं। देयर ब्रांचेस आर स्लैंटिंग व्हाइल अलाउज स्नो टू स्लाइड डाउन इजिली। उनकी शाखाएं तिरछी होती है जो बर्फ को आसानी से फिसलने देती है। दिस ट्रीज यूजुअली हैव नो फ्लावर्स। आमतौर पर इन पेड़ों में फूल नहीं होते हैं। देयर सीड्स आर इनक्लोज्ड इन कॉन्स। इनके बीज नोकेदार आकृति में बंद होते हैं। द लीव्स आर नॉट ब्रॉड बट आर शेप्ड लाइक नीडल्स एंड हैव ए वैक्स लाइक कोटिंग ऑन देम विच प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम द एक्सट्रीम कोल्ड, फॉर एग्जाम्पल पाइन देवदार फीर। इनकी पत्तियां चौड़ी नहीं होती है लेकिन इनका आकार सुइयों की तरह होती है और उन पर मोम जैसी परत होती है जो इनके अत्यधिक ठंड से बचाता है। जैसा आपके बुक में कुछ पेड़ों का पिक्चर देखे हैं जो पहाड़ी
पर पाए जाने वाले पेड़ों के अच्छे उदाहरण है, जैसे पाइन, देवदार, फिर फर्न्स, मॉस एंड लाइकेन्स आर स्मॉल स्टडी प्लांट्स दैट ग्रो इन द सॉइल ऑन रॉक्स और ट्रीज ऑन माउंटेन्स. फर्न्स, मॉस एंड लाइकेन्स छोटे और मजबूत होते हैं, छोटे और मजबूत पौधे हैं जो मिट्टी में, चट्टानों पर या पर्वतों पर उगते हैं. नाउ प्लांट्स इन प्लेन्स, समतल में उगने वाले पौधे. ए लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज आर फाउंड इन द प्लेन्स, समतल भागों में विभिन्न प्रकार के पौधे और पेड़ पाए जाते हैं. दीज प्लांट्स हैव ब्रांचेस दैट स्प्रेड वाइड एंड हैव सेवरल लीव्स ऑन देम. नीम, गुलमोहर, पीपल, इन पौधों की शाखाएं फैली और चौड़ी होती है और उन पर बहुत सारी पत्तियां होती है. नीम, गुलमोहर, पीपल, इन सब का उदाहरण के रूप में दिखाया गया है जो आप अपने बुक्स के में देखे हैं. नाउ प्लांट्स इन डिजर्ट, रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधे. सम प्लांट्स आर एंड ट्रीज हैव एडप्टेड वेरी वेल टू द ड्राई एंड हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द डिजर्ट. रेगिस्तान के पौधे और पेड़ वहां की सूखी और कठोर जलवायु के अनुसार अपने आप को उसी परिवेश में ढाल लेता है. एज देयर इज वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन डिजर्ट्स, द फ्लैशी स्टीम ऑफ दीज प्लांट्स स्टोर वाटर. जैसा कि हम जानते हैं कि रेगिस्तान में बहुत कम पानी होता है, तो वहां के पौधे अपने तनों में पानी को जमा कर लेते हैं. द रूट्स सिस्टम ऑफ दीज प्लांट्स स्प्रेड ओवर ए लार्ज अंडरग्राउंड एरिया इन सर्च ऑफ वाटर. इन पौधों की जड़ें पानी की तलाश में जमीन के अंदर बहुत दूर तक फैलती है. दे हैव वेरी फ्यू लीव्स इट एनी, इसके पास न के बराबर पत्ते होते हैं. ए कैक्टस हैज थॉर्न्स इंस्टेड ऑफ लीव्स दैट हेल्प टू कट डाउन ऑन वाटर लॉस. फॉर एग्जाम्पल कैक्टस, कीकर, डेट पाम. कैक्टस पौधों में पत्तियों के जगह कांटे होते हैं जो पानी के नुकसान को कम करने में मदद करते हैं. कैक्टस, कीकर, डेट पाम इसके उदाहरण हैं. प्लांट्स इन एरियाज विथ हेवी रेनफॉल, इन भारी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे. इन एरियाज दैट रिसीव हेवी रेनफॉल्स वी सी द ग्रोथ ऑफ ए नंबर ऑफ ट्रीज एंड रेन फॉरेस्ट. जिन क्षेत्रों में ज्यादा वर्षा होती है वहां हम देखते हैं कि वहां पेड़ और वनों की संख्या बहुत होती है. ए वैरायटी ऑफ प्लांट्स रैंगिंग फ्रॉम टॉल ट्रीज सच एज टीक एंड रबर एंड कैश क्रॉप्स सच एज राइस एंड शुगर केन ग्रो इन दिस एरिया. ऊंचे पेड़ों से लेकर सागवान एवं रबर जैसे विभिन्न प्रकार के पौधे और चावल एवं गन्ने जैसे फसलें इन क्षेत्रों में उगाया जाता है. प्लांट्स इन दिस एरिया हैव मैनी लीव्स एंड रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर. पीपर, रबर, टीक, कॉटन, शुगर केन, राइस, इन क्षेत्रों के पौधों में बहुत सारी पत्तियां होती है और यह सालों भर हरी भरी रहती है. उदाहरण के लिए आप पीपर, रबर, टीक, कॉटन, शुगर केन, राइस को ले सकते हैं. थैंक यू, सी यू अगेन.